गाइस अपनी बाइक वाली बैटरी है, तो मैंने भी इसमें ट्राई किया था इसको ये लगाया अर्थ पे। 7 घंटे हो चुके हैं एंड आई थिंक दैट शुड डू इट गाइस। मैंने मुझे नहीं पता अभी इसके अंदर फुल हुआ है। Hi guys and welcome back to the channel for yet another super duper awesome DIY kind of a video. So guys, ये particular video का मेरा अभी कुछ बनाने का plan नहीं था, but हाँ ये request के ऊपर मैं बना रहा हूँ and request भी थोड़े दिन पहले की है, उसके लिए भी मैं थोड़ा late हो गया हूँ, so sorry for that bro. मुझे पता है आप ये वीडियो डेफिनेटली देखोगे। सो यहाँ पे आपको दिख रही है एक बाइक बैटरी है, यहाँ पर कार बैटरी नहीं थी मेरे पास, मतलब क्योंकि कार बैटरी कार में लगी हुई है एंड बेसिकली करने का वाला हूँ मैं आपको जरा ओवरव्यू दे दूँ। सो आज से गाइस पता नहीं थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि मैंने नैनो की बैटरी फ्लैट हो गई थी, तो घर के अंदर ही मैंने उसको चार्ज कर लिया था। तो उसका क्या प्रोसीजर मैंने यूज़ किया था, क्योंकि मेरे पास कोई एक बड़े साइज का जो नॉर्मल कार बैटरी चार्जर होता है वो तो नहीं है, लेकिन मैंने इसको चार्ज कर लिया एंड अभी तक वो टच वुड अच्छी चल रही है। मुझे तो लगा था कि एक नई बैटरी लेनी पड़ जाएगी तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ये है गाइस मेरी अपाचे आरटीआर 180 की बैटरी। सो इनकेस अगर आप अपाचे फैन हो तो ये देख रहे हो, तो ये आज इसकी बैटरी चार्ज कर रहा हूँ, तो कुछ दिनों में उसका बहुत ही बड़ा मेकओवर आने वाला है। आई नो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया यार, ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स कई चीज़ें डिले हो जाती हैं, कहीं क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं एक्सेस में चीज़ें एंड कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। सो उन सब बातों को भी छोड़ते हैं, जो आज का मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा है, उसके ऊपर बात करते हैं, जो कि है ये पर्टिकुलर बैटरी। सो ये गाइस एक फाइटर H4 LED बल्ब है मेरे पास यहाँ पे H4। इनकेस आपको चाहिए होगा तो मेरे पास एक वन लास्ट सेट रिमेनिंग है, मैंने इसको काफ़ी सारे सेल कर दिए हैं। तो भी मैंने आपको एक छोटे से वीडियो में हिंट दिया था कि मैं एक्चुअली कुछ कार एक्सेसरीज एंड कार पार्ट्स को सेल कर रहा हूँ। सो ये एक वो है एंड मेरे पास एक सेट और एक ये बल्ब, टोटल 3 बल्ब ही रह गए हैं, क्योंकि किसी बाइक वाले को चाहिए होता है तो सिंगल बल्ब से ही काम चलाना पड़ता है, बॉक्स इसका सेट में आता है। सो इसको अगर मैं यहाँ पे चलाऊँ तो ये लगाया मैंने अर्थ साइड और ये लगाया मैंने हाई बीम साइड, तो आप नोटिस करो कोई भी यहाँ पे लाइट आउटपुट नहीं आ रहा। सो मैंने इसको प्रॉपरली लगाया हुआ है, आप नोटिस कर सकते हो अपनी स्क्रीन पे, इसमें मैं कुछ लाइन नहीं करने वाला। तो इस बैटरी के अंदर कोई जूस नहीं है, क्योंकि ये अपाचे आरटीआर 180 की बैटरी है ना, आपको पता ही हो पर्टिकुलर बाइक अभी कुछ दिनों से नहीं, एक्चुअली कुछ महीनों से सड़ रही है। उसकी सीट कवर भी एक गाय ने फाड़ दिया एंड काइंड ऑफ उसका बुरा हाल है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, देख के रोना आता है। तो उसका बहुत ही सेक्सी सा मेकओवर आ रहा है, ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, बस थोड़े ही दिन और लगेंगे, देन उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी अगर मैं आपको चार्जिंग का बताऊं, सो देव सर ने एक चीज़ दी थी, वो चीज़ भी बस आपके साथ नेक्स्ट वीक शेयर होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि नेक्स्ट वीक उसका एक बड़ा ही ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है देव सर का, और पूरे वीक में ही आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। सो बेबी लूथरा का ख्याल थोड़ा सा कर लेना, मेरा नासिक। सो एक ये पर्टिकुलर आइटम उनके एक टॉय में आया, सो टॉय भी क्या है, वो थोड़े बड़े साइज की चीज़ है, तो वो चलाते रहते हैं सारा दिन, तो मज़ा आता है। सो आप इसकी स्पेसिफिकेशन गाइस अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो एक बारी, मैं आपको ये आराम से दिखा सकता हूँ। सो ये गाइस एक बैटरी चार्जर ही है, लेकिन इसका जो आउटपुट है वो खाली 12 वोल्ट 1 एम्पेयर है। सो दिस गाय इज लिटिल बिट काइंड ऑफ अ स्लो, बट ये काम करता है एंड इसी से मैंने नैनो की बैटरी चार्ज की थी। अब सोच रहे हो कि मैंने वायरिंग का क्या किया, क्योंकि इसके अंदर ये कनेक्टर है, आप ध्यान से देखना चाहो तो आप देख सकते हो। सो ये इसका कनेक्टर है। सो अब इस पड़े हुए कनेक्टर का काम हमने कैसे करना है, सो ये जैसे वायर है, पॉजिटिव साइड वाली वायर इसके अंदर डाल देनी है गाइस, क्योंकि जो अंदर का कनेक्शन होता है ना वो होता है पॉजिटिव। जैसे कि ये वायर मैंने ली एंड ये मैंने इसके अंदर की ओर डाल दिया, ठीक है। एंड जब जो ब्लैक वायर है वो इसके मुझे आउटर वाली जो साइड है, आउटर वाली साइड है वहाँ पे इसको स्टिक कर देना किसी टेप की हेल्प से या किसी भी चीज़ की हेल्प से, एंड फिर बस इस पर्टिकुलर चार्जर को बॉल सॉकेट पर लगा देना है। सो ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। सो ये ट्रिकल चार्ज करता है, इसके अंदर जो लाइट है ना वो बार बार रेड ग्रीन होती रहती है। सो जब रेड है तो इसका मतलब इट इज़ चार्जिंग, एंड जब ग्रीन स्टेबल आ जाए तो दैट मीन्स इट इज़ फुल चार्जिंग। तो एक ये चीज़ है। तो मैं अभी इसको टेप करता हूँ, देन इसको लगाते हैं। एंड अभी आपने जैसे नोटिस किया था यहाँ पे कुछ लाइट वाइट नहीं जली थी। और एक और चीज़ है, सो बाइक बैटरीज आपने नोटिस किया होगा ऊपर से ये होती हैं सील्ड, पूरी की पूरी ये बंद होती हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर हम एक स्क्रू ड्राइवर डालें तो शायद इसका कवर खोल सकते हैं, उसके अंदर पानी वापस से रिफिल किया जा सकता है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ ये चीज़ करूँ कि नहीं, क्योंकि मैंने जब नैनो की बैटरी को चार्जिंग किया था तो मैंने उसको वापस पानी उसका भरा था, क्योंकि उसके अंदर पानी था ही नहीं, ऑलमोस्ट बिल्कुल डिप्लीटेड था सारा कुछ, तो उसके अंदर पानी भरा था एंड थोड़ा सा चार्जिंग हो रही थी, थोड़ा सा पानी बाहर भी आ गया था, तो उसको फिर क्लीन आउट करके प्रॉपरली गाड़ी के अंदर डाल दिया। सो एक वो चीज़ थी जो मैं चेक करता हूँ कि अगर ये खुल जाएगा तो उसमें पानी मैं ज़रूर डालूंगा, तभी काम बनेगा, एंड अदरवाइज फिर ऐसे लगा देंगे। सो लेट मी चेक एंड गेट बैक टू यू। ऑलराइट, सो ये गाइस अपनी बाइक वाली बैटरी है। सो मैंने अभी इसमें ट्राई किया था इसको यहाँ पे ऐसे डाल के इसको खोलने का, बट ये थोड़ा सा यू नो खुलने को खुल भी जाएगा, बट उससे पहले ये टूट जाएगा, यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो, बट आ भी सकता है क्योंकि यहाँ से गैप आ रहा है। सो एक चीज़ और मैं नोट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर बैटरी में, कि ये जो स्टिकर यहाँ पे दिया हुआ है ना, हमें यहाँ पे ना कुछ ध्यान से अगर नोटिस करो, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, शायद आपको बेटर दिखेगा। ऑलराइट, सो
यहाँ पे ना कुछ सर्कल सर्कल से मुझे लग रहे हैं। सो अगर मैं स्टिकर को एक बार उखाड़ दूँ, कोई इतना मैटर तो करता नहीं है। सो अगर इसके नीचे या हमें कुछ ऐसा कुछ मिल जाए जैसे कि हम इसमें वाटर रिफिल कर सके, तो देयर इज नथिंग लाइक इट राइट। अगर ऐसे उतारने की कोशिश करता हूँ बट ये लग नहीं रहा कि ये उतरेगा, ये फटेगा और उसके नीचे फिर काफ़ी 10 तरह की चीज़ें छोड़ देगा। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ है गाइस, कुछ है। ओके, देयर इज समथिंग देयर एंड इसी के नीचे गाइस काम होएगा हमारा। स्टिकर को हटा देता है पूरा का पूरा, हटा तो नहीं फट गया बट यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ से उखाड़ने की कोशिश करूँ, ये देखो गाइस, ये देखो यार, पर इसमें पानी तो फिल लग रहा है मुझे। एक बार सारा चेक कर लूँ ना, पानी नहीं है गाइस, खाली बबल सा था। तीनों सेल्स के अंदर कोई पानी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। सो आपको ज़रा एक बेटर व्यू देने की कोशिश करूँ, ज़रा आप नोटिस करो, ये बस सील्ड होती हैं ये बैटरीज एंड पानी तो इनमें देखो डालना ही पड़ता है। सो मेरे पास अभी डिस्टिल्ड वाटर तो नहीं है, लेकिन हाँ एक्वागार्ड वाला वाटर ज़रूर है। सो ये आ गया गाइस, इसके सारे के सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 के 6 सेल्स बाहर एंड इनके अंदर कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा। सो मैं ज़रा अभी एक्वागार्ड वाला ही पानी लेके आता हूँ एंड इसको रिफिल करता हूँ एंड उसके बाद गाइस इसको चार्ज पे लगाते हैं। ऑलराइट फोक्स, सो अपना पानी आ गया। सो ड्रॉपर होता तो बहुत ही काम इजी हो जाता, बट अभी मैं ये कैप यूज़ कर लूँगा। सो चलो ट्राई करते हैं। सो ये थोड़ा ज़्यादा भर लिया मैंने बट ये भी लाओ। एंड गाइस एक चीज़ और आपने यहाँ नोटिस करनी है, इसको टॉप तक नहीं भरना, अदरवाइज वो पानी थोड़ा बाहर आता ही आता है। सो यहाँ पे बिल्कुल भी दिख नहीं रहा। इतने की भी एक्चुअली मुझे उम्मीद नहीं थी बट ये ऑलमोस्ट पूरा ढक्कन खाली पहले दोनों सेल्स में चला गया। ये देखो, तो ये अच्छा है, इसके अंदर ही यहीं पे बाहर ही डाल दो तो सारा पानी वो अंदर ही ले जाएगा। सो दैट्स प्रीटी स्वीट। That should do it guys. मैंने मुझे नहीं पता अभी इसके अंदर फुल हुआ है, हाफ हुआ है, कितना हुआ है, पर मुझे लग रहा है कि दैट्स इट इनफ। अदरवाइज वो जब चार्ज वार्ज करो ना तो थोड़ी सी लीक करती है बैटरी। सो पानी थोड़ा सा नीचे गिर गया, सो अभी साफ कर देंगे एंड इसका जो ढक्कन है काइंड ऑफ ये वाली आइटम, इसको मैं बंद कर देता हूँ एंड होपफुली कि जितना पानी मैंने डाला दैट शुड लास्ट मी एंड मेरे की बैटरी चार्ज हो रहा है, चालू हो रहा है। वैसे ये बोलते हैं कि ड्राई बैटरी है, नो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, सब बकवास है यार। मेंटेन अगर कर लो अभी ये बैटरी को ना डेड घोषित कर दिया जाएगा। मतलब नैनो की तो ऑलमोस्ट खत्म ही थी, वो तो पानी डालने के बाद ही चार्ज हुई है। तो ये हो गया। सो अभी यहाँ से पानी में क्लीन करता हूँ बैटरी को, वहाँ कॉर्नर पे दीवार पे लगा देते हैं एंड देन चार्जिंग का प्रोसीजर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है आज। ऑलराइट गाइस, तो मैंने वायर को टेप से कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे एंड अभी बस चार्जर को उठा के डाल देना है एंड अभी लाइट आपके सामने कम होने वाली है क्योंकि यहाँ पे ही सेम प्लग पे मैंने अपनी रिंग लाइट को लगा रखा था फॉर द बेटर लाइट, क्योंकि आज मैं रिकॉर्डिंग फोन के साथ कर रहा हूँ। सो ये अपना चार्जर है राइट। सो ये मैंने करी गाइस लाइट बंद एंड सॉरी फॉर द डार्कनेस, बट हाँ अभी अब कैमरे को साथ ही लेके चलता हूँ। ये स्विच बोर्ड कहाँ रह गया भाई, एक सेकेंड। सो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया एंड इसको अरेंज कर दिया एंड मैं ऑन कर रहा हूँ। अभी ये ग्रीन शो कर रहा है, अब रेड शो कर रहा है क्योंकि बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो चुकी है, अदरवाइज ये रेड शो नहीं करता यहाँ पर। एंड अभी हमें इसको टाइम देना होगा क्योंकि ये ऐसे 15-20 मिनट या आधे घंटे वाला प्रोग्राम तो है नहीं, ये बड़ी बैटरी है और ये छोटा चार्जर, सो इट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम। ये रखिए बैटरी, थोड़ा जूम आउट करें यहाँ पे। सो ये इसका कनेक्शन यहाँ पे जा रहा है। सो ये रेड लाइट का मतलब है चार्जिंग एंड ग्रीन लाइट का मतलब है फुल। सो देखते हैं क्या होता है एंड पानी यहाँ पे लीक करेगा तो वही बताऊँगा, फिर आप उस हिसाब से थोड़ा कम पानी डाल देना इसके अंदर। सो चलो वेट करो गाइस, 7 घंटे हो चुके हैं एंड अभी भी कंडीशन कुछ यहाँ पर इस टाइप की देखने को मिल रही है। सो मैंने जैसे आपको बताया था चार्जर थोड़ा स्लो है कंपैरेटिवली एंड बैटरी बिल्कुल ही जीरो पे थी, जीरो पे, हो सकता है नेगेटिव में हो। सो देखते हैं क्या होता है सुबह तक। रात का 1:30 बज रहा है अभी। गुड मॉर्निंग गाइस, सो सुबह के ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं एंड अभी भी यहाँ पे ये सिचुएशन है। सो ऑलमोस्ट हो सकता है 24 आवर्स तक ले ले। सो लगाया हुआ है एंड थैंकफुली कोई पानी ऊपर से बाहर नहीं निकला है, तो दैट्स अ प्रीटी प्रीटी गुड थिंग।
एंड बस लगा के छोड़ रखा है. सो देखते हैं आगे क्या होता है. तो गाइस अब गाइस हो चुके हैं 24 घंटे से भी ज्यादा. हाँ 24 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं एंड ये अभी भी कुछ इस तरह का नजारा यहाँ पे मुझे दिखा रहा है. तो अभी एक काम करता हूँ, मैं जिसका बटन है ना चार्जर का वो बंद करता हूँ एंड देखते हैं कि लाइट अभी भी रिमेन रहती है क्या. अगर ये लाइट रिमेन रही तो समझ लो कुछ ना कुछ चार्ज तो गया है बैटरी में, क्योंकि नैनो की जब मैंने बैटरी चार्ज की थी वो इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है. ये 9 एम्पेयर है, वो 32 एम्पेयर है. तो वो मेरे ख्याल से 5 या 6 घंटे बाद ही उसके अंदर से पानी थोड़ा सा बबल आने लग गए थे, तो शायद उसमें पानी ज़्यादा भर दिया था एंड उसके बाद वो सेट हो गई थी. लेकिन ये ग्रीन नहीं हो रही. रियली हैव नो आइडिया हाउ एंड वाई. एंड बटन बंद करता हूँ. सो अभी आप यहाँ पर नोटिस करो ये ग्रीन लाइट इसकी ऑन है. सो दैट मीन्स कि बैटरी में कुछ ना कुछ चार्ज तो डेफिनेटली गया. तो अभी इसका चार्जर हटाता हूँ एंड जो अपना फाइटर बल्ब मैंने कल यहाँ पे आपको पहले स्टार्टिंग में दिखाया था वो लगा के देखते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा. तो बैटरी यहाँ पे मैंने अभी जैसे नीचे से ऊपर उठाई ना एंड इसको टच कर रहा हूँ तो दिस इज एक्चुअली हॉट गाइस, दिस इज हॉट, गर्म है ये. तो वैसे वेदर भी इतना कुछ ठंडा नहीं, लेकिन हाँ फैन तो काफ़ी देर से चलेंगे. सो हो जाए फिर टेस्ट. ये रहा अपना गाइस फाइटर, आप देखना चाहो तो ये प्रॉपर एक H4 LED बल्ब है. इसका एक्चुअल आउटपुट है आई थिंक इट इज 72 वाट्स का ये पेयर है. तो 36 वाट्स का एक जाएगा. सो ये लगाया अर्थ पे एंड ये अब मैं लगाने वाला हूँ कहीं पर भी इसके लो बीम पे. ओह इट इज रनिंग गाइस एंड दोनों की दोनों बढ़िया तरीके से चल रहे हैं गाइस यहाँ पर. दैट इज अ प्रीटी स्वीट थिंग राइट एंड दिस थिंग इज प्रीटी लिट. सो बैटरी तो कुछ हद तक चार्ज हुई है. सो अभी ये नहीं पता कि ये फुल हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि अपना जो चार्जर है वो ग्रीन नहीं हुआ था. तो दैट इज़ द थिंग. सो अभी कुछ और टेस्ट करने के लिए मेरे पास कुछ इससे हैवी आइटम पड़ी है. हैलोजन्स, एक 100 वॉट का हैलोजन है. सो अगर आप बोलो तो मैं उसे भी टेस्ट आउट कर दूँ या फिर आप प्रोसीजर समझ चुके हैं क्योंकि ये तो चली रही है. सो गर्म है. सो मैं सोच रहा हूँ उसको अभी तो ठंडा होने देते हैं, देन एक बार इसको फिर से खोल के थोड़ा सा इसमें पानी और डाल के 1 या 2 दिन बाद, अभी नहीं, एंड उसके बाद एक बार इसे फिर चार्जिंग पर लगा दूंगा. सो माइट बी बिल्कुल पक्का काम हो जाएगा. एंड अगर इन दोनों वायर्स को मैं टच करूंगा तो इट विल जनरेट स्पार्क. सो मैं अभी नहीं करने वाला. सो ऑन दैट बॉम्बशेल गाइस लेट्स एंड दिस वीडियो. एंड आप मेरा कॉन्सेप्ट चार्जिंग का समझ ही चुके हो. बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है. एक इस तरह से एक छोटे से चार्जर के साथ भी आप ये काम कर सकते हो जो कि एक जस्ट 12 वोल्ट 1 एम्पीयर पे है. सो हो सकता है कि एक नॉर्मल पावर सप्लाई जो कि होती है वो भी बैटरीज को चार्ज कर सके. सो फ्यूचर के अंदर वो भी टेस्ट आउट कर ही लूंगा मैं. तो अभी तो ये एक छोटा सा सिंपल सा मेथड था. सो आप करना चाहो तो आप कर सकते हो राइट. ये रही अपनी बैटरी एंड ये रखना चार्ज. तो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे एंड गाइस अब मिलते हैं इन सम अदर वीडियो. एंड कुछ क्वेरी रहेगी तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड बाकी कमेंट्स आप कर ही देना राइट. एंड बेबी लूथरा के बड़े सारे वीडियोज आ रहे हैं, रेडी रहना उसके लिए. एंड ये भी इसका भी काम होने वाला है बहुत जल्दी. सो थैंक यू, बाय, क्या.